रणबीर और आलिया को शादी पर किसने कितना महंगा तोहफा दिया, इस वीडियो में आप जान सकेंगे। अदाकारा आलिया भट्ट और अदाकार रणबीर कपूर गुज़श्ता माह अप्रैल में फैमिली और दोस्तों पर मुश्तमिल तकरीब में रिश्ते अजवाज में मुंसलिक हुए थे। आलिया रणबीर की शादी बॉलीवुड की एक ऐसी शादी थी जिसका बॉलीवुड शख्सियात समेत मदाओं को भी बेसब्री से इंतज़ार था। लिहाजा रणबीर और आलिया को शादी में शोबिज इंडस्ट्री की जानिब से करोड़ों के तोहफे भी मौसूल हुए। तो आइए नज़र डालते हैं आलिया और रणबीर को शादी में मिलने वाले कीमती तोहफे पर। रणबीर कपूर की वालदा नीतू कपूर ने अकलौते बेटे बहू को शादी पर देने के लिए घर का इंतखाब किया और उन्होंने बहू बेटे को फ्लैट तोहफे में दिया जिसकी कीमत 26 करोड़ भारतीय रुपये है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय डायरेक्टर रणबीर कपूर के बेहतरीन दोस्त अयान मुखर्जी ने नए नवीले जोड़े को कार बतौर तोहफा पेश की जिसकी कीमत भारत में इस वक्त 1 करोड़ 30 लाख बताई जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रणबीर कपूर की एक कज़न करीना कपूर ने आलिया भट्ट को शादी पर हीरों का सेट तोहफे में दिया जिसकी मालियत 3 लाख भारतीय रुपये बताई जा रही है। अदाकारा दीपिका पटकोन ने आलिया और रणबीर की शादी के मौके पर मारूफ तरीन आलमी ब्रांड की घड़ियां बतौर तोहफा पेश की जिसकी मालियत 15 लाख रुपये भारतीय है। प्रियंका चोपड़ा भी आलिया और रणबीर की शादी में महंगे तोहफे देने वालों की फहरिस्त में पीछे ना रहीं और उन्होंने आलिया के लिए 9 लाख भारतीय रुपये के नेकलेस का इंतखाब किया। आपको मज़ीद बताएं कि रणबीर की साबिका गर्लफ्रेंड बॉलीवुड अदाकारा कतरीना कैफ ने भी आलिया के लिए इस अहम मौका पर 14 लाख के ब्रेटलेस का इंतखाब किया। मज़ीद इंटरटेनमेंट की दुनिया से बाखबर रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए वाह जोक इंटरटेनमेंट।